बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और कानून दीवानी यानी मजमूआई जाब्ते दीवानी 1908 या कोई भी कानून जो किसी भी फिरके के किसी भी शख्स के राइट को डिटरमिन करता हो, याद रखिएगा कि हर शहरी के कानूनी हकूक और मफादात के हसूल की हफाजत को यकीनी बनाता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहता है कि ऐसे अफराद जो कि कानूनी हकूक और अपने कानूनी मफादात का बजाते खुद तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसे कायदो ज़वाबत, ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस और ऐसे तरीक़ाकार मजमूआ ज़ाब्ते दीवानी 1908 वाज़ी करता है, जिसके तहत वो लोग जो अपने हकूक और अपने मफादात का बजाते खुद तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, वो ऐसे कवानीन का सेफ गार्ड उनको फ्राहम किया गया है CPC 1908, जिसके तहत वो अपने दीवानी नवीयत के अदालती मामलात का तस्फिया कर सकते हैं। मसलन एक नाबालिग शख्स है, या फातुर अक्ल शख्स है, या जहनी मरीज है, या बिल्कुल लागर शख्स है जहनी तौर पर, ऐसे अफराद हैं जो कि आज खुद अपने कानूनी हकूक और अपने कानूनी मफादात का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है नाबालिग की, इस पे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। एक नाबालिग शख्स ऐसा शख्स है जो कि माइनॉरिटी एक्ट यानी कानून बलूगत जिसको कहा जाता है, अकलियत वाली माइनॉरिटी ना समझिएगा इसको, ये कानून बलूगत को माइनॉरिटी एक्ट कहा जाता है। 1875 में ये कानून बना था। इस कानून के तहत ऐसा शख्स जो 18 साल का नहीं हुआ है वो नाबालिग तसव्वुर किया जाएगा, और ऐसे नाबालिग शख्स को अदालती मामलात के हल और उनके तस्फिया के लिए कानूनी गुंजाइश, उनके हकूक और मफादात के तहफ्फुज़ के लिए मजमूआ ज़ाब्ते दीवानी 1908 आर्डर 22 के अंदर दी गई है। अब आर्डर 22 को याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट आर्डर है, क्योंकि ये कानून किसी मुकदमे में, ये अफराद जो हैं कानूनन तो किसी मुकदमे में डायरेक्टली फरीक नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो एक नाबालिग शख्स है या जहनी मरीज या फातरुल अकल शख्स है। अब किसी किस्म की अदालती कार्रवाई के लिए ऐसे शख्स का तकरर जो है बतौर वली किया जाएगा, जो शख्स इन नाबालिग या ऐसे फातरुल अक्ल अशहास जो हैं, जो अदालत में जिनका लीगल राइट या जिनके मफादात को आपने प्रोटेक्ट करना है उनके मफादात के लिए बेहतर सोचता हो, ऐसे वली का नाबालिग या फातरुल अक्ल की जो जायदाद है उसमें उसको ज़ाती इंटरेस्ट शामिल ना हो, ऐसे शख्स को वली बना दिया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि ये वली जो बनाया जा रहा है इस नाबालिग या इस पागल शख्स का, क्या वो उस शख्स जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है जो नाबालिग या फातरुल अक्ल है उसकी खैरख्वाही को सोचेगा, और कहीं उस नाबालिग या फातरुल अकल शख्स की जायदाद को नहीं हथियाया जाएगा, इस बात को भी अदालत देखेगी। अब जो शख्स, याद रखे कि फिल वाक्या हद बलूगत को पहुंच गया वो शरण बालिग हो जाता है, और अगर लड़के या लड़की की बलूगत के बारे में ला इल्मी हो तो फिकाए हनफिया और फिकाए शिया दोनों फिरकों के नज़दीक 15 साल की उम्र पर प्रिजम्पशन की जाती है, क्यास कर देती है फिका कि ये लड़का या लड़की बालिग हो गए हैं।
बालिग होने पर हर शख्स अपनी जायदाद, अपनी जात से मुतल्लक तमाम मामलात को तय करने का मजाज होता है, लेकिन इंडो पाक के अंदर आपको पता है कि माइनॉरिटी एक्ट यानी बलूगत एक्ट 1875 और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 नाफज होने से शरी कानून बलूगत जो है, जो फिका कहती है, वो नाफिजुल अमल तो नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल लॉ मौजूद है माइनॉरिटी एक्ट की सूरत में या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की सूरत में, वो प्रिवेल करते हैं और फिका ज़रा पीछे चली जाती है इस हवाले से। और कानून शरीयत के तहत जो इख्तियारात एक बालिग को हासिल हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, और अगर उम्र बलूगत से पहले नाबालिग का वली अदालत ने मुकर्रर कर दिया है, देन नाबालिग की जायदाद जो है कोर्ट ऑफ वार्ड, जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स जिसने की हैं, उसकी निगरानी में दे दी जाती है। देन उस नाबालिग की उम्र कानूनन 21 साल करार पाएगी, वो 18 साल की उम्र में बालिग नहीं तसव्वुर किया जाएगा, चूँकि अदालत ने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की प्रोसीडिंग्स में उसको नाबालिग करार दिया और उसका वली मुकर्रर किया, इसलिए उसकी उम्र 21 साल कानून कहता है मुकर्रर की जाएगी। अब हम बात करते हैं वो अफराद जो बतौर वली एक नाबालिग और एक फातरुल अकल शख्स की तरफ से मुकर्रर हो सकते हैं बतौर वली के। याद रखिए कि जो अफराद बतौर वली नाबालिग या फातरुल अकल अशहाज के अदालती तनाज़ात में इनकी तरफ से बतौर मदई पेश हो सकते हैं, इनमें हर वो शख्स शामिल है जो बालिग और सही उद्दमाग हो। ये ना हो कि पागल का वली भी पागल आ जाए, या एक नाबालिग शख्स का वली भी नाबालिग नहीं आ सकता है। और दूसरी बात कि ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका मिफाद उस नाबालिग या उस फातरुल अकल शख्स के साथ मुतसादम ना हो। अब याद रखिएगा कि कोर्ट एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसके हुक्म से मकरर शुदा ऐसा वली जिसको अदालत ने या कंपिटेंट अथॉरिटी ने वली मकरर किया है, उस नाबालिग या फातरुल अकल शख्स की तरफ से मुकदमा बतौर वली उस मुकदमे को दायर भी कर सकता है, पेश हो सकता है, और इसके अलावा किसी और शख्स को वली मुकरर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक शख्स को मुकरर किया जा चुका है। ता वक्त के उस वक्त तक कि अदालत किसी वजह से बतौर वली मुकदमा फरीक बनाने पर राजी हो जाए किसी और को, ऐसी सूरत में उसकी वजूहात तहरीर की जाएंगी कि आखिर क्या वजह है कि किसी और शख्स को बतौर वली ला के आया जा रहा है, और किसी नाबालिग और फातिरुल अक्ल शख्स की जानिब से करीब तरीन जो नेक्स्ट फ्रेंड है या रिश्तेदार है या खैर हुआ है, उसको बतौर वली या वली फरीक मुकदमा बना दिया जाता है। अब कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ ही ये मुमकिन है। और जब कोई शख्स दौरान मुकदमा वली के अहदे से अलहदा होना चाहे कि भाई मैं इस पागल शख्स का वली मुकर्र किया गया हूँ, मुझे फारिग कर दें, तो अदालत ऐसे किसी अदालती अहरकार को या किसी भी अहदेदार को बतौर वली उस नाबालिग शख्स का या उस पागल शख्स का वली मुकर्र कर सकती है, और बतौर वली उसकी खिदमात का कुछ मुआवजा भी उसको अदा किया जाएगा। और ऐसा शख्स बतौर वली उस नाबालिग या उस फातिरुल अक्ल शख्स का कायम मकाम समझा जाएगा, उसको ख्वाब पे किया जा रहा है। आप मेरी बात जहन में रखिएगा दोस्तों, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्डर 22 CPC 1908 बिल्कुल सीधा सीधे हमें पूरा पैराडाइम दे रहा है, और उसके बाद नाबालिग और फातिरुल अकल शख्स के खिलाफ अगर कोई मुकदमा आ जाता है तो फिर वो बतौर मुद्दा अलह है, तो देन मुद्दा अलह जब एक फातिरुल अकल शख्स या एक नाबालिग शख्स हो गया है, तो उसकी तरफ से वली का तकरार कैसे होना है। ये हवाले से पिछले दिनों यहाँ पे एक केस था अरशद बनाम मुदस्सर, उसमें भी ये प्रपोजिशन जो है कुछ लोगों से डिस्कस भी हुई। तो अब ये है कि इस बात का यकीन कर लेने के बाद कि मुद्दा अलह जो है एक नाबालिग शख्स है या फातिरुल अक्ल है, अदालत किसी भी मुनासिब शख्स को दौरान मुकदमा उसकी बिहाफ पे वली मुकर्रर कर सकती है,
और मकर्र शुदा वली जो है वो तहरीरी बयान हल्फी देगा, वो शख्स बयान हल्फी देगा जो इस बात की तस्दीक करेगा कि उसके मुकदमे के मुतनाज़िया जो मामलात हैं वो हक के मुखालफत नाबालिग नहीं है, यानी वो उस नाबालिग या उस फातिरुल अकल या पागल शख्स की तरफ से जो के मुद्दा आलह है इस मुकदमे में वो बतौर वली आ गया है। अब वो बयान हल्फी देता है कि वो इस बात का बयान हल्फी है कि उसके मुकदमे के तनाज़े में उसका कोई राइट जो है वो उसके राइट के अगेंस्ट नहीं है बल्कि उसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा, और मुकदमे में और उस मुकदमे में दायर करदा तमाम उजरात जो हैं वो कुल समात के लिए अदालत का मकर्र करता वली, या अगर वली मकर्र ना किया गया है जो है उसका कोई बाप है या नेचुरल गार्डियन कोई उसका भाई है, या अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो वो शख्स जो जिसकी कस्टडी में वो नाबालिग शख्स या वो पागल शख्स रह रहा है उसको भी, और अदालत में दौराने मुकदमा उसको पेश करवाया जाएगा, वो पेश होगा और बयान हल्फी देगा कि मैं इस मुद्दा अलह की तरफ से फिर मैं मुकदमे को प्लीड करूँगा बताओ। हाँ, और एक अहम बात याद रखिएगा कि जब वो अदालत में बतौर मुद्दा अलह अपने नेचुरल वो जो नाबालिग शख्स है उसकी बिहाफ पे या एक पागल की बिहाफ पे जब पेश हो गया है बयान हल्फी उसने दे दिया है तो अदालत में दौराने मुकदमा पेश होगा, जब हो जाता है तो देन उसको वली अगर मुकर्रर कर दिया जाता है तो उसकी वलायत जो है जो वो वली मुकर्रर किया गया है उससे दस्तबरदारी वो भी अदालती हुक्म से होगी। एक बड़ा टेक्निकल सी बात है इस सारे मामले में याद रखिएगा, जो मेरे जैसे नालायक वकीलों को शायद पहले भी नहीं पता था, लेकिन चले आप मुझे कुछ अरसा पहले ही पता चला, छोटी सी बात है लेकिन बात बड़ी टेक्निकल है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे दोस्तों को भी पता ज़रूर होनी चाहिए, जो बात मुझे पता है वो मेरे दोस्तों को पता होनी चाहिए और जो दोस्तों को पता है वो दूसरे दोस्तों को भी पता होनी चाहिए। याद रखिएगा कि वली का तकर्र जो है जब एक दफ़ा अदालत की तरफ से कर दिया जाता है वाह बतौर मदई या बतौर मुद्दाले मुकदमे की तमाम कार्रवाइयां कार्रवाई के बाद अपील निगरानी या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स तक जारी रहता है वही वली रहेगा उसका, अब बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अदालती कार्रवाई के दौरानिये में अगर किसी नाबालिग शख्स या किसी फातरुल अक्ल शख्स के मुकदमे में राजीनामा करना पड़ जाए फिर क्या करेंगे, तो किसी वली को या जो खैर ख्वाह है उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो उस नाबालिग शख्स की जानिब से या उस फातरुल अक्ल शख्स की जानिब से आज खुद वो अदालती कार्रवाई के दौरान राजीनामा कर ले, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा करने के लिए उस वली को चाहिए कि फौरी अदालत से क्या करेगा इजाज़त लेगा, क्योंकि इजाज़त मैंडेटरी है उसको उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स के दौरानिये में राजीनामा करने के लिए, चूंकि वो बजाते खुद तो केस में नहीं है, वो तो वली मुकर्रर किया गया है एक नाबालिग और एक पागल शख्स का, अब राजीनामा करना है उनके बिहाफ पे तो वो अदालत की इजाजत का महरूम मिन्नत है, उसको अदालत की इजाजत दरकार होगी और अदालत उसे इस बात की इजाज़त दे सकती है कि वो नाबालिग या फातिरुल अक्ल शख्स जिसकी जानिब से वो बतौर वली है उसमें वो राजीनामा का मुआहदा जो है वो कर सकता है, जब वो इजाज़त दे देन कर सकता है, और जो राजीनामा या जो मुआहदा अदालती इजाज़त नामे के बगैर कर लिया जाता है याद रखिएगा कि वो तमाम फरीके मुकदमा के लिए नाकाबले कबूल तसव्वुर होगा, उसकी 0/0 वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, ख्वाह एक वली ने इजाज़त के बगैर अदालती इजाज़त के बगैर राजीनामा कर लिया है, अदालत को नहीं बताया है, बाहर बाहर से को मुआहदा कर लिया है तो देन वो मुआहदा रद्दी क्या
एक टुकड़ा है उसको उसमें फेंक दे, कानूनन उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अदालत वली जब मुकर्रर करती है तो किन किन चीजों को वो मद्देनजर रखेगी। अब याद रखिएगा, पहली बात कि नाबालिग का वली मुकर्रर करते वक्त अदालत कानून की मुताबिकत में वो उन तमाम रूल्स को देखेगी जिनका नाबालिग जो है वो ताबिया है, या वो पागल शख्स जो है जिसकी तरफ से वली मुकर्रर किया जा रहा है वो ताबिया है, और जो हालात के मुताबिक उस नाबालिग या उस फातिरुल अकल शख्स के मफाद में हो, वो अदालत उन चीज़ों को मद्देनजर रखती है। अब बात आ जाती है कि ये जांचने के लिए कि उस नाबालिग या उस पागल शख्स के मफाद में क्या है, अब अदालत पर ये लाजम है कि वो नाबालिग या फातिरुल अक्ल शख्स की उम्र, जिंस और कद को देखे, और जो मुजवजा वली है जिसको मुकर्रर करवाना मतलूब है उसका चाल चलन, उसकी कैपेसिटी और उसकी उस नाबालिग या उस फातिरुल अक्ल शख्स से रिश्ते की गुरबत को देखे, या उस नाबालिग शख्स या फातिरुल अक्ल शख्स के वालिदैन की अगर कोई विश थी, कोई वसीयत थी, कोई ख्वाहिश थी उसको देखे अगर कोई है तो, और मुजवजा वली के नाबालिग से या उस नाबालिग या उस पागल शख्स की जायदाद से किसी किस्म का मौजूदा या साबका ताल्लुक जो है वो भी मद्देनजर रखना अदालत के ऊपर फर्ज है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कानून ऐसे अशखास को सेफ गार्ड फ्राहम करना चाहता है जो बेचारे मजलूम हैं, नाबालिग हैं, और खुद तो वो नाबालिग है या पागल शख्स है, वो ऐसे महरूम तबका है, उनके मफादात के लिए वली मुकर्रर करना मतलूब है, और वो खुदा न खास्ता ऐसा वली मुकर्रर ना हो जाए जो उनकी ज़ात और उनकी जायदाद में तहस नहस उनको मामलात को कर रहे हो। अब उसके बाद याद रखिए दोस्तों कि अगर नाबालिग की उम्र इतनी काफ़ी हो कि वो जी फहम कुछ ना कुछ समझ बूझ रखता है तो अदालत उस तरजीह पर गौर करने की, यानी अगर उसको ऑप्शन दिया जाए, मसलन है वो नाबालिग लेकिन वो ऑप्शन देता है कि मैंने ये बंदा मेरे साथ प्यार करता है या पागल है लेकिन इतनी सी थोड़ी सी फहम है उसको कि ये बंदा अच्छा है, ये मुझे मारता है। अभी पिछले दिनों एक कोर्ट में कासम नामी एक शख्स के साथ केस चल रहा था, कासम नामी शख्स पेश हुआ, उसने कहा कि मैंने फलां शख्स जो है वो मुझे अच्छा लगता है, तो चूंकि वो पागल शख्स था इतनी सी उसकी फहम तो थी कि ये शख्स मुझे मारता है और ये शख्स मुझसे प्यार करता है। अब महरूम तबका है जनाब, तो जज साहब को उस जी फहम तरजीह जो है अगर वो दे रहा है तो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, और कंपिटेंट अथॉरिटी है कोर्ट। और याद रखिएगा कि तमाम जो केसेस हैं दुनिया में तो चल रहे होते हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद मर जाना, और जो तमाम केसेस फिर दोबारा खोले जाएंगे, फिर बतौर वकील और बतौर जज सबको जवाबदेह होना होगा, और हर बंदा अपने ताई हर मामलात का मुतकल्लिफ होगा। उसके बाद बात कहीं की कहीं चली जाती है जनाब। अब अगली बात हम करते हैं कि बाज़ औक़ात वली मुकर्रर करने के हवाले से ऐसे मामलात आ जाते हैं कि उन वालिदैन के माबैन जो फॉरनर्स हैं, यूरोपियन ब्रिटिश बशिंदे हों, अब उसमें नाबालिग की ज़ात के वली बने के महालफाना दावेदार हों तो वालदैन में से कोई भी बतौर हक उसका हकदार नहीं होगा, क्योंकि एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है, लेकिन दीगर अमूर बराबर होने की बिना पर अगर नाबालिग बच्चा अगर नर बच्चा है
या कोई मादा बच्चा है तो माँ को दे दिया जाएगा, और यानी अगर बिल्कुल छोटा है तो माँ के हवाले, और अगर नाबालिग इतनी उम्र का लड़का है कि उसकी तालीम ज़रूरी है, कारोबार ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है और उसकी तरबियत बाप के बगैर अदालत देखे कि नहीं हो सकती है, तो देन बाप को प्रेफरेंस वली के हवाले से दी जाएगी। उसके बाद एक और बात जहन में रखिएगा कि अदालत को चाहिए कि किसी भी शख्स को, हुआ वो नाबालिग है या वो शख्स फातिरुल अक्ल है, उसकी हल्की फुल्की जो जी फहम तरजीह है उसकी खिलाफ ना जाए, उसकी जो विशेज हैं, उसके विम्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई का अंसर मौजूद होता है। जहन में रखिए कि ये ऐसा तबका है जो कि महरूम तबका है। उसके बाद आगे बात चलती है, एक वली को अदालत बदतरफ कैसे कर सकती है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अदालत ऐसी सूरतों में उस वली को या उस खैर ख्वाह को बदतरफ भी कर सकती है जब उसका मफाद उस नाबालिग या उस फातिरुल अक्ल शख्स के मफाद से मुतसादम हो जाए। जब भी मफाद मुतसादम हो जाए तो उस वली को या उस खैर ख्वाह को फौरी तौर पर बदतरफ कर देना चाहिए, और जब वली या खैर ख्वाह का ताल्लुक मुद्दा अलैज दूसरी पार्टी से हो और उससे ये खतरा हो कि वो वली या वो खैर ख्वाह उस नाबालिग के हकूक का मनासब तहफ्फुज़ नहीं कर सकता, या वो दौराने मकदमा मुल्क से बाहर रहायश पजीर है, दुबई वगैरह में सेटल्ड है, या कुछ ऐसी वजूहात हों जिनकी बिना पर मदई या मुद्दा अलैह की जानिब से उसकी बदतरफी की दरख्वास्त दायर की जाए, या किसी ऐसे शख्स की दरख्वास्त पर जिसे किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने मुकर्रर किया है, अदालत अपना मुकम्मल यकीन कर लेने के बाद उसको बदतरफ कर सकती है, या वली के फौत होने की सूरत में अदालत किसी मुनासिब वली का इंतज़ार कर सकती है, और कोई वली या कोई खैर ख्वाह दौराने मकदमा अदालत की इजाज़त के बगैर कोई रुपया या कोई मनकूला जायदाद नाबालिग की तरफ से या फातिरुल अक्ल शख्स की तरफ से वसूल नहीं कर सकता, चाहे ऐसा हुक्म किसी मसाहलत के तहत अमल में आया हो या अदालती डिग्री के जरिए अमल में आया हो। अदालत की इजाज़त लेनी ज़रूरी है, लेकिन अगर नाबालिग या फातिरुल अक्ल शख्स की जायदाद का वली किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से मकरर किया गया है तो वो अदालत इस बात का मुकम्मल यकीन करेगी कि आया ये शख्स उस फातिरुल अक्ल या उस नाबालिग शख्स की जायदाद की हिफाजत या उस जायदाद का तहफ्फुज़ कर सकता है, और इससे इस बात की श्योरिटी डिमांड कर सकती है, उसकी जमानत ले सकती है। अदालत के पास इख्तियार है। अब मदई जब बालिग हो जाता है, पहले नाबालिग था फिर बालिग हो गया है दौराने समाअत मुकदमा ही, तो मदई के बालिग होने पर एक मुकदमे पर असर क्या पड़ेगा, ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है। याद रखिएगा कि अगर दौराने मुकदमा कोई नाबालिग मदई या कोई ऐसा नाबालिग शख्स या कोई फातिरुल अक्ल शख्स ठीक हो जाए या नाबालिग शख्स बालिग हो जाए जो मुकदमा में फरीक हो, वो माइनॉरिटी को पहुंच जाता है, अगर फातिरुल अक्ल शख्स है तो वो ठीक हो जाता है, उस मुकदमे को नामनासिब समझे तो वो अदालत से इस्तदा कर सकता है कि उसे मदई के ज़ुमरे से खारिज किया जाए। अदालत अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लेती है और उसकी इतला वली या मुकदमे के दीगर फरीकैन को इतला करेगी कि भाई ये बंदा पहले नाबालिग था अब बालिग हो गया है, अब वो इस मुकदमे को नामनासिब समझते हुए वो चाह रहा है कि जनाब मैं बजाते खुद इसको यहाँ पलीट करना चाह रहा हूँ या इसके में ये मामला करना चाह रहा हूँ, तो
उसमें अदालत जो है उसकी इस सारे अमर की इत्तला जो है वो उस वली को या मुकदमे के जो दीगर पार्टीज हैं उनको नोटिस करेगी, देन उस मामले को प्रोसीड किया जाएगा। अब बात है एक माइनर और एक ल्यूनेटिक पर्सन के सिविल लीगल राइट्स के सेफगार्ड्स जो हैं वो आर्डर 22 CPC 1908 किस तरह से